सुबह के 5:30 बज चुके थे और मेरी नींद अलार्म से पहले ही खुल गई थी क्योंकि मेरी कैट स्लैब में चढ़ी थी और स्लैब के सामान को छेड़ रही थी, इसलिए मैं पहले ही उठ गई। मैं उठते ही मैंने अपनी कैट बबल को प्यार किया और मैंने अपनी दिनचर्या शुरू करी। मैं बालकनी में गई, बालकनी में मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया और 15 मिनट का अनुलोम विलोम किया। उसके बाद मैं वॉशरूम गई तो देखिए ना दोस्तों, मेरी कैट मुझे वॉशरूम तक फॉलो करती है। जहाँ बबलू, जहाँ मम्मी जाती है वहीं जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास घर में पेट्स होंगे तो आपको पता है कि वो आपको फॉलो करते हैं जहाँ भी वॉशरूम जाए, कहीं भी, क्योंकि दे फील रियली सेफ अराउंड यू, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो उसके बाद मैंने अपनी दिन की शुरुआत करी लूक वार्म वाटर के साथ, नॉर्मली करती हूँ। और देखिए ना, वीडियो बनाते बनाते वो चार्जर की केबल आगे से आ रही है क्योंकि मैं अभी अच्छी तरह से नींद खुली भी नहीं थी और ये सब हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, पर वीडियो बहुत रॉ बनाई है और पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ठंडा पानी ऐड किया। और बोलते हैं ना आयुर्वेदा में, उकड़ू बैठ के मैंने सिप बाय सिप पानी लिया। फिर मैंने अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करी। आप देख ही सकते हैं मैं क्या बना रही हूँ, मूली है। तो मैंने आज मूली के पराठे, रेडिश के पराठे बनाए और मेरे पराठे रेडी हो चुके थे क्योंकि मुझे फ्लाइट ड्यूटी के लिए भी जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने पराठे बना के रेडी कर रही थी। और देखिए ना, ट्रेन मास्टर शेफ़ की तरह मैंने फ्लिप किया अपने पराठे को। मैंने फिर नहा धो के अपना मॉर्निंग रिचुअल, पूजा पाठ किया और ये जो डमरू मैं बजा रही हूँ वो मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से लेके आई थी। वो सब किया, उसके बाद रेडी हुई और कैब में बैठ चुकी थी फ्लाइट के लिए। कैब ड्राइवर सर बहुत ज्यादा कम थे। आपका कार नहीं है? अच्छा, सर का हिंदी बहुत अच्छा है बिकॉज सर के फ्रेंड एक हिंदी स्पीकर है, ही इज अ तमिलियन, ही नोज सो मेनी लैंग्वेजेस। तो जैसे ही मैंने सर को बताया कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, उन्होंने अपना फ़ोन मुझे दिया, उनके फ़ोन से मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब किया। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो गाइज, मैं निकल चुकी हूँ फ़्लाइट के लिए। आई एम डूइंग अयोध्या फ्लाइट टुडे। सर हनुमान जी लगाए ना, ये हनुमान जी। तो दोस्तों, सर मुझे बता रहे थे कि कैसे मैं अपनी व्लॉगिंग इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखूंगी। वो बोलते हैं ना, एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग। ये बात करते करते एयरपोर्ट आ चुका था, हम लोगों ने अपनी फ्लाइट ड्यूटी ख़त्म करी, एयरक्राफ्ट में गए, उसके बाद हम फाइनली लैंड हो चुके थे अयोध्या एयरपोर्ट में। ये अयोध्या एयरपोर्ट का एयरपोर्ट व्यू है और अयोध्या आते ही मेरे तो गूज़बम्स आ जाते हैं बिकॉज़ मैं हनुमान भक्त हूँ, तो मुझे श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि से विशेष प्रेम है दोस्तों। और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं अयोध्या आऊँ और वहाँ पे सुंदरकांड के श्लोक ना बोलूँ। तो मैं आपको सुंदरकांड का एक श्लोक सुनाना चाहूँगी। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपत करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कहे सहिदानी, नर बानर ही संक हो कैसे, कही कथा बई संगत जैसे। जय श्री राम। And trust me, ये बहुत ही tasty चाय बनाया। Very yummy. This vlog comes to an end. Flying में सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे vlogs पसंद आते हैं तो please like and subscribe to my channel.